नमस्कार, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा SKK अर्थ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूं विंध्य के एक बहुत ही सुंदर, मनोरम व ऐतिहासिक गांव बड़ोखर की। फ्रेंड्स, प्रयागराज जनपद के सबसे सुदूर दक्षिणांचल के सबसे प्रसिद्ध, सुंदर व रमणीक गांव की बात की जाए तो बड़ोखर गांव का नाम सर्वोच्च स्थान पर है। भरों के समय बड़ोभर तथा कालांतर में बड़ोखर नाम से विख्यात यह गांव आज भी अपने समृद्ध प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहरों के लिए विख्यात है। कुराँव तहसील का यह खूबसूरत गांव न सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है, बल्कि इस गांव में भारी मात्रा में विशाल मंदिर व तालाब मौजूद हैं। इस गांव की इसी विशेषता के चलते लोग इसे छोटी काशी या मिनी काशी के नाम से भी पुकारा करते हैं। दो तालाब तो बड़ोखर गांव में मौजूद लगभग 800 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बने हुए हैं, जो पहाड़ पर जाने वाले लोगों, माल मवेशियों तथा पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के काम आते हैं। ऊपर तालाब से पूर्व दिशा में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर देवी कोठी मौजूद है, जो लोगों को काफ़ी लुभाती है। वहां प्रत्येक दिन भारी मात्रा में लोग जाते हैं, भ्रमण आदि करने के साथ साथ वो खाना भी बनाते व खाते हैं। बड़ोखर गांव के उत्तर में जहां बेल नदी प्रवाहमान है, वहीं दक्षिण में कालीधाम स्थित है। वैसे तो कालीधाम में काली दर्शन हेतु हर दिन श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगती है, पर सोमवार व शुक्रवार के दिन कुछ भीड़ ज़्यादा ही इकट्ठी होती है और वहां विशाल मेला सा लग जाता है। फ्रेंड्स, जिस तरह चित्रकूट के 20-25 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कई दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, वैसे ही बड़ोखर में भी 20-25 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कई दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, जो लोगों को काफ़ी लुभाते हैं। पर इनका ज़्यादा प्रचार प्रसार न होने की वजह से और इसे पर्यटन की मान्यता न मिलने से इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों का अस्तित्व धूमिल सा होता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है सरकार को व क्षेत्र के विशिष्ट लोगों को इस पर विशेष ध्यान देने की। बॉर्डर घाट बड़ोखर गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में मौजूद विंध्य की एक ऊंची पहाड़ी पर बहुत ही सुरम्य व रमणीक स्थल है। इस पावन स्थल का प्रकृति प्रदत्त और कलात्मक सौंदर्य बेजोड़ है। अनेक आश्चर्यों एवं जैव विविधता से भरी पड़ी विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले इस ऊंचे पहाड़ पर स्थित बोड़रनाथ का विशेष महत्व है। इस मनोरम व प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल पर कई जलप्रपात मौजूद हैं, जो ढालूदार व सीढ़ीनुमा होने के कारण बहते हुए जलधाराओं को काफ़ी मनोहारी बना देता है। कलकल झरझर बहते हुए इन प्रपातों को देखकर बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े तक भी आनंदित होते हैं और उनका रोम रोम ऊर्जा से भर जाता है। यही कारण है कि भागती दौड़ती जिंदगी से हताश परेशान लोग यहाँ आकर काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ के झरनों में न सिर्फ स्नान आदि किया करते हैं, बल्कि भोजन आदि भी बनाते व खाते हैं। इसके अलावा बॉर्डर घाट के जंगल में कई प्रकार की वनौषधियाँ तथा वन्य प्राणियाँ मौजूद हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है।
फ्रेंड्स, जानकारी के लिए बता दें कि बॉर्डर घाट का लगभग 90% भाग मध्य प्रदेश की सीमा में अवस्थित है, जबकि इसका 10% भाग उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रयागराज जनपद की कुराँव तहसील के गांव हड़िया में आता है। फ्रेंड्स, बॉर्डर घाट के अलावा बड़ोखर का तीसरा व सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट चिरैया घाट है। यह घाट बड़ोखर से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 10 किलोमीटर दूर पैंतिया हनुमानगंज के घने जंगल में स्थित है। इस घाट का भी लगभग 90% हिस्सा मध्य प्रदेश की रीवा डिस्ट्रिक्ट की हनुमना तहसील में पड़ता है, जबकि शेष 10% भाग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद की कुराँव तहसील के एक प्रमुख गांव पैंतिया हनुमानगंज में पड़ता है। चिरैया घाट में भी पहाड़ के ऊपर कई सुंदर व रमणीय स्थल मौजूद हैं, जिनमें से पतनारी नदी के सुंदर सुंदर झरने तथा चिरैया कुंडा प्रमुख है। वैसे देखा जाए तो चिरैया घाट की सारी खूबसूरती ऊंचे पहाड़ पर मौजूद पतनारी नदी की वजह से ही है। पतनारी नदी के पाट में अनेक जगहों पर कई ऊंची ऊंची सीढ़ीदार चट्टानों की प्राकृतिक संरचनाएं हैं। इनसे होता हुआ पतनारी नदी का जल जब नीचे की तरफ बहता है तो कई स्थानों पर बड़ा ही मनोरम जलप्रपातों का निर्माण होता है। यह दृश्य लोगों को काफी लुभाता है, यही कारण है कि इसे देखने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ भोजन आदि भी बनाते व खाते हैं। यहाँ के जंगल में बेर, बरारी, तेंदू तथा जंगली जामुन जैसे फलदार वनस्पतियों की भरमार है। उक्त सीजन के समय आए हुए पर्यटक इन फलों को खाकर मार्ग में व्यय अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। फ्रेंड्स, बड़ोखर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद गड़री तथा महुली कला के जंगल में काले हिरण यानी ब्लैक बक को संरक्षित किया गया है, जिसे समूल रूप से चांद खमरिया काला हिरण वन संरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चांद खमरिया काला हिरण वन संरक्षित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा वन संरक्षित क्षेत्र है जहां सिर्फ व सिर्फ काले हिरणों को ही संरक्षित किया गया है। यहां के जंगल में सरकार द्वारा हिरणों की सुविधा के लिए छोटे छोटे कई पक्के तालाब बनवाए गए हैं तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए न सिर्फ इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई गई है बल्कि एक ऊंचा सा वॉच टावर भी बनवाया गया है। इस समय यहाँ के जंगल में लगभग 700 से 800 के करीब कृष्ण मृग देखे गए हैं। इनको देखने के लिए रोजाना भारी संख्या में लोग आते हैं। इन काले हिरणों को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय होता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी यह खास वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोचक व उपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।